तेजस्वी, सबसे पहली चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप एक क्रिकेटर रहे हैं, राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? क्रिकेट में भी उतना नाम है, उतनी शोहरत है, लोग बताते हैं कि बढ़िया क्रिकेट आप खेलते थे, तो राजनीति क्यों? या पिताजी ने कहा नहीं आपको राजनीति में आना ही आना है? अब देखिए, सचिन तेंदुलकर जी जितना मेरा नाम तो था नहीं क्रिकेट में, लेकिन हो सकता था वो राजनीति में तो आए। हाँ, क्यों आए? देखिए, जो विचारधारा है हमारी पार्टी की, हमारे पिता ने आज तक कभी भी सोशल जस्टिस से और सेक्युलरिज्म से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक है, हमेशा सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए वो खड़े रहे और लड़ाई लड़ने का काम किया। और आपको पता होना चाहिए कि जब पिता जिस फील्ड में है, अगर वो संघर्ष कर रहा है और लगातार उनके करीबी लोग उनको लगातार धोखा देते रहे, तो मैं घर में बैठ करके बैठूंगा तो नहीं? मैं तो अपने पिता के संघर्ष के लड़ाई में उनका साथ दूंगा। और हालांकि जब मैं बिहार गया था तो मीडिया के लोगों ने, जब पार्टी ऑफिस में मैं बैठा हुआ था, क्रिकेट खेल के रणजी ट्रॉफी खेल करके मैं वापस आया ही था, उस समय 2010 का इलेक्शन चल रहा था, पापा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वहां हम गए, वहां पापा ने बस इंट्रोड्यूस कराया कि ये हमारा बेटा है, और मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज दिया कि लालू जी ने अपने बेटे को लॉन्च किया। और उस समय जितने कैंडिडेट थे, जहां माय फादर जा नहीं पाते थे कैंपेनिंग के लिए, अब वहां से सारे कैंडिडेट्स जो थे वहां से डिमांड आने शुरू हो गए कि उनको भेजो। अब मैं मना कैसे कर दूं, आप बताओ? अगर तेजस्वी, दिल में मतलब एक दर्द था कि लालू यादव को और उनके आसपास के लोगों ने धोखा दिया। जोड़ना चाहूंगा कि बचपन से ही पॉलिटिकली एंड सोशली आई वाज वेरी अवेयर। ओके, हमने बुरा टाइम भी देखा है, बचपनों से देखा है। हमारा ही केवल एक परिवार होगा जिसने, जिसपे लगातार CBI, ED, इनकम टैक्स के छापे पड़ते रहे, हमने स्थिति देखी है। ठीक है, और अब तो कुछ देख देख करके तो ऐसा लगता कि अब तो हम बोलते भाई CBI ED को आप मेरे घर पे दफ्तर खोल लो ना, आगे हो सकता है कुछ ना करें, इंजाम मत लगाना। 2004 की बात, इंजाम दे रहे, बल्ट की मैं बता दूं कि वो कोई घोटाला है नहीं, सो कॉल्ड घोटाला विच दे क्लेमिंग इट इज अ घोटाला, राइट? 2004 की बात, 2017 में आप FIR कर रहे हो, एंड दे क्लेमिंग व्हेन आई वाज अ टीनेजर, When I was 13-14 years, when I didn't have mustache, जब मूछ नहीं था, तो बोलते हो आप conspiracy कर रहे थे, जब मैं क्रिकेट खेलता था। अभी तो आप कह रहे थे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आप बताओ, मेरे को देखा कहीं? आप लोग तो हमेशा मेरे पिता के साथ जुड़े रहे, कहीं रेलवे मंत्रालय में बैठ के कोई बोर्ड की मीटिंग में बैठते हुए देखा है जहाँ टेंडर मैं फिक्स कर रहा हूँ या conspiracy कर रहा हूँ? मेरे पे चार्ज लगा conspiracy का? तो ये सारी चीजें जो हैं अलग बात है, पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से किया गया, लगातार मेरे पिता के नाम को बदनाम किया गया। कोई जोकर कहता, कोई मजाकिया कहता, कोई चारा घोटाला, सीरियस चार्ज करप्शन। मुझे अभी एक 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 सेकंड, आप डीए केस 2000 के साल में एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं शंकरशन ठाकुर, उनकी किताब आई थी और उसका टाइटल था किताब का द मेकिंग ऑफ लालू यादव एंड द अनमेकिंग ऑफ बिहार। मतलब लालू यादव खुद तो बन गए लेकिन बिहार को बर्बाद कर दिया। ये सन 2000 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जानबूझ के इस किताब का जिक्र कर रहा हूँ। क्या आप भी वैसी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? आप देखिए, जिस व्यक्ति पे जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जिसको चप्पल पहन करके चप्पल अपने माथे पे रखना पड़ता था, किसी जमींदार के घर से गुजरना पड़ता था, सही बात है, जो खटिया पे नहीं बैठ सकता था, अगर उनको खटिया पे बैठाने का काम किया, जिसको आवाज नहीं था, अगर लालू यादव ने उसको आवाज देने का काम किया, लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए खड़ा करने का काम किया, जो बैक बेंचर है उनको मुख्य धारा में लाया, तो ये क्या है? आप देखिएगा ना, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, एक जर्नलिस्ट, डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट विजिबिलिटी। आप सड़क बना दो, रोड बना दो, वो पूरा डेवलपमेंट नहीं होता। तो सारी चीजें हैं जो उस समय जो फेस था, जो मंडल का फेस था, उस समय जो दौर था, सोशल जस्टिस उस समय जरूरत थी। और अडवाणी जी को गिरफ्तार किया, बिहार में कहां दंगे हुए? पूरा देश जल रहा था लेकिन बिहार दंगे से नहीं जल रहा था। तो और आपको बता दें, बिहार में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी, 7 यूनिवर्सिटीज मेरे पिता ने देने का काम किया। नीतीश जी से पूछो कि कितने यूनिवर्सिटीज आपने देने का काम किया। आखिरी बार
शिक्षकों को कब परमानेंट नौकरी नीतीश कुमार जी ने दिया? हमारे सरकार में हुआ, नीतीश कुमार जी ने कभी परमानेंट नौकरी नहीं दिया। आप देखिएगा काम के मामले में तो आप आंकड़ों से बात करो ना, बहुत काम हुआ, लेकिन हमारे पिता को भी तो उस समय कितना डिस्टर्ब किया गया, 96 से ही लगातार शुरुआत हो गई थी, लगातार हरास किया गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, प्रेशर किया गया ताकि ये आगे ना आ पाए। तो उस सारी चीजों को टैकल करते हुए वो आगे बढ़े। और आप देखिए आखिर क्यों हमको जनता चुन रही है भाई, यानी जनता कहीं ना कहीं से इफ दे इलेक्टिंग अस और लालू जी के साथ खड़ी है तो कहीं ना कहीं से जनता जान रही है। ठीक है, अब एक पॉइंट बड़ी अच्छी बात आपने कही कि साहब लालू यादव जो थे उन्होंने एक किस्म की अपनी लड़ाई लड़ी अपने तरीके से, वो अंडर प्रिविलेज थे और अंडर प्रिविलेज के लिए ही फॉट और उसकी तब्दीली लाने की कोशिश की। आप तो अंडर प्रिविलेज नहीं हैं, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे आप तो बिहार के राजा बाबू हैं, जैसे आपने कहा कि आप महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, लोगों ने खबर चला दी कि आप राजनीति में लॉन्च हो गए, तो आप तो कहीं से अंडर प्रिविलेज नहीं हैं, आप लोग सारे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के चेहरे हैं, बहुत सारे आप जैसे नेता हैं देश में नौजवान। तो आप जब अपनी सोशल जस्टिस की बात करते हैं और लालू यादव की सोशल जस्टिस से उसकी तुलना करते हैं तो दोनों में फर्क क्या है? आप अंडर प्रिविलेज नहीं हैं। जगन्नाथ मिश्रा के बेटे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे राजनीति में आते हैं तो वो परिवारवाद नहीं होता। क्योंकि मैं पिछड़ा परिवार से आता हूं, उसलिए सिर्फ इंजाम मेरे ऊपर ही लगता है। आप बताइए, नहीं नहीं बीजेपी कांग्रेस तक ये डिबेट खत्म हो गई है। जो भी है सब जगह मुलायम सिंह यादव के बेटे हों, लालू यादव के बेटे हों, बीजेपी के लीडर, अल्टीमेटली हम तो चुन के आए, जनता ने हमको चुना है। हां सही बात, आप रोक दो ना, हटा दो, हम नहीं आएंगे। अगर हम चुनाव नहीं जीते तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे बनते? तो आप हटा दो ना, अगर आप चाहते हो डायनेस्टी खत्म करनी है, आई एम रेडी, आई विल बी द फर्स्ट वन टू रिजाइन। लेकिन जितने और भी लोग हैं उनकी भी आप, जो हमारे पहले से भी जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो डायनेस्टी पॉलिसी एफिडेविट पे लिखवा दीजिए कि वो राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं, फिर हम भी सबसे आगे हम मिलेंगे, छोड़ देंगे राहुल गांधी। लेकिन अब वो आप राहुल गांधी, आप राहुल गांधी को क्यों बोल रहे हैं? आप बीजेपी से भी तो शुरुआत कर सकते थे किसी नेता के नाम पे। तो ये ब्लेम जो है सिर्फ पिछड़ों के नेता जो है उन पे ही क्यों आता है? नहीं पिछड़ों के नेता और राहुल गांधी क्योंकि अभी ऑपोजिशन में है, नरेंद्र मोदी जी, अगर प्रॉब्लम क्या है तो आप भी हट जाएंगे। आप प्रॉब्लम क्या है कि अमित शाह अगर जातिवादी करते हैं तो उसको सोशल इंजीनियरिंग का टर्म दे दिया जाता है, शब्द दे दिया जाता है। अगर हम लोग अगर सही चीज के लिए लड़े तो जातिवादी कहलाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं पिछड़ा हूं, पिछड़ों का बेटा हूं, क्यों बोला? क्या प्रधानमंत्री जी जातिवादी हैं कि नहीं है? मैं तो पूछना चाहता हूं क्यों। तो ये देखिए, और बल्कि वो कैसे पिछड़े हुए वो सब लोग जानते हैं, लेकिन कई लोगों की हिम्मत नहीं होती बोलने में, कैसे बने वो। तो कहीं ना कहीं से ये देखिएगा कि जो सही चीज है, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम तो अभी भी आप देखिएगा संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आज का जो दौर है, जिस प्रकार से तानाशाह रवैये से नागपुरिया कानून को, आरएसएस के आइडियोलॉजी को लागू करना चाह रहे हैं और बाबा साहब अंबेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है उसको खत्म करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा तो मतलब आप समझ लीजिए जो रिजर्वेशन है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और हो सकता है अगर दोबारा मोदी जी दोबारा चुनाव जीत करके आ जाए तो हो सकता है कि उसके बाद चुनाव ही ना हो हिंदुस्तान में कभी। अच्छा छोड़, ये तो चलिए राजनीति की बात हुई, जरा तेजस्वी यादव जी के बारे में बात करते हैं। नौजवान नेता हैं, जैसे आपने कहा चुन के आ रहे हैं तो आपको सफलता मिली, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। पार्टी बॉय, आर यू अ पार्टी बॉय? सुना आपको पार्टी वाली, उसमें कोई गलत नहीं भाई, आप क्रिकेटर हैं, नौजवान हैं, कोई। आई हैव बीन टू मेनी पार्टीज, आईपीएल के आफ्टर पार्टीज में आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स, लेकिन बहुत चरित्र हरण हुआ मेरा। अच्छा। हमारे चाचा बैठे हुए हैं बिहार में, बहुत कोशिश की, खुद तो नहीं बोलते लेकिन बुलवाने में माहिर है। दिखाते ऐसे हैं कि बड़े किसी चीज में फंसना नहीं चाहते, कुछ किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, लेकिन भूमिका जो बनाते हैं, जो फील्डिंग करते हैं, बड़े होशियारी के साथ करते हैं और लोगों से बुलवाते हैं। क्रिकेटर्स को बड़ा शौक होता है, हम तो कहते हैं कभी सामने भी बोल दिया कीजिए, इतना डर क्यों है आपको बोलने में? क्योंकि आपको, आप यू आर सो इमेज कॉन्शियस, मतलब अपने इमेज को लेकर हमारे चाचा इतने कॉन्शियस हैं कि कुछ भी आ जाए, नहीं नहीं भैया मैं नहीं। बिहार में इतने करप्शन हो गए, 36 घोटाले हो गए, लेकिन एक अधिकारी एक मंत्री पे कार्रवाई नहीं,
होम शेल्टर की जो वारदात हुई, जो इंस्टीट्यूशनल गैंग रेप हुआ, लॉ एंड ऑर्डर अपराध जो बढ़ गया करीबी नीतीश कुमार जी के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, दो महीने तक एफआईआर नहीं। फिर तो आप देखिए, हाँ, अरे तेजस्वी राजनीति तो बात हम कर रहे हैं, हम तो आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैंने जवाब दे दिया उसके ज्यादा, मैंने तो बोला आई यूज्ड टू अटेंड पार्टीज आफ्टर आईपीएल। यू स्टिल डू? यही आपका सवाल था। यू स्टिल डू? नॉट यू एंजॉय राइट नाउ? आई डोंट इवन वॉच मूवी। नौजवान है भाई, मतलब अगर आपको मजा आता है पार्टी करने में कोई दिक्कत नहीं। कहीं कुछ हो जाए तो बोलोगे आप मूवी देख रहे हो, यहाँ लोग मर रहे, आप कहाँ हो? आप ही सवाल पूछोगे। ठीक, अच्छा एक छोटी सी, फाइव स्टार में अभी बुला लिया, कोई फोटो खींच लेगा खा रहे फाइव स्टार में, वो सोशल मीडिया पे ट्रोल करने वाले चला देंगे, देखो गरीब की बात करने वाले फाइव स्टार में चम्मच से खा रहे। क्या कीजिएगा? ठीक है, ये चीजें तो चलती रहेंगी, करते हैं नहीं करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, मेरे बारे में अगर जाना तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मैं देश बचाने के लिए खड़ा हूं, और मैं चाहता हूं कि सारे नौजवान आए और जो उनको धोखा देने का काम किया उससे सवाल पूछने का काम करे कि उन नौजवानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। और हमारा देश इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि देश प्रगति करे। भैया नरेंद्र मोदी जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो उस आइडियोलॉजी का विरोध करते हैं। आप लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी का विरोध, क्या नरेंद्र मोदी जी से पहले हम बीजेपी का विरोध नहीं करते थे, आरएसएस का विरोध नहीं करते थे, लेकिन जिस प्रकार से पूरे दुनिया ने देखा नरेंद्र मोदी जी का कारनामा, गुजरात में उन्होंने क्या किया, लेकिन अब देखिए क्या इमेज हो गया मार्केटिंग कर करके। हाँ, मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा तेजस्वी जी के बारे में, यहाँ टेलीविजन के पहली जनरेशन के तमाम चेहरे बैठे, जिस तरह से लालू यादव में मानता हूं कि सबसे बेहतर और सबसे जल्दी से समझ पाए थे टेलीविजन का इस्तेमाल कैसे होता है, उसके काफी शेष आपके नजर अंदर मुझे नजर आ रहे हैं कि जो टेलीविजन की ड्रामेटिक्स होती है, अगर उसको सबसे तेजी से किसी ने पकड़ा था मेरे हिसाब से ना राजनेताओं में से, तो वो लालू यादव थे। तो मैं जब जब आपसे सवाल कर रहा हूँ आप जवाब से कम, आजकल कोई फायदा है नहीं, दबाव बहुत रहता है, चेहरा एक ही चेहरे को दिखाया जाता है। ठीक है, तो तेजस्वी जी एक और सवाल बड़ा लाजमी है कि बड़ा नेता आपके घर में कौन है, आप या आपके बड़े भाई? कोई नेता नहीं है, एक ही नेता है हमारे पार्टी में, वो लालू प्रसाद है। पक्का? मतलब जैसे कई दफे लोग मुझे कह रहे हैं कि साहब आप उत्तराधिकारी हैं, ठीक है आप नेचुरल हैं लालू प्रसाद यादव। मैंने बोला मैं उत्तराधिकारी हूँ या मेरे पिता ने बोला कि मैं उत्तराधिकारी हूँ? हमारे कोई दिक्कत नहीं, आप मना कर दीजिए कि आप नहीं है, वो आप मानने के ऊपर है ना, आप मानते हो सकता कोई नहीं मानता हो। आपकी पार्टी है, जो आप कहेंगे हम वो मानेंगे कि जो मैं कहूंगा वो मानेंगे, उससे कोई पार्टी में तो सब लोगों का रहता है। लेकिन तेज प्रताप जी भाई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स देख ही रहे हैं, लखनऊ में क्या क्या हुआ चाचा भतीजे के बीच, पिता पुत्र के बीच, तो आज सुबह वो भी थे अखिलेश यादव जी। हम समझ गए आपके सवाल का, आप देखिए ना सवाल का सीधा दिक्कत ये है कि लोगों को हमारी घर के बारे में चिंता ज्यादा है, देश के बारे में चिंता नहीं है। हमारी जो चिंता वो देश के लिए है, घर के लिए नहीं। घर में नहीं, हमारे घर में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो इतने हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपने कहा, इतना परेशानी झेलने के बाद, 25-25 मुकदमे झेलने के बाद 29 साल की उम्र में, तो ऐसे थोड़ी ना, सब कुछ घर में ठीक है, जनता में सब कुछ ठीक है, तभी तो हिम्मत मिला हुआ है। जो एनर्जी है वो तो हमें मास पूरा समन्वय है, क्योंकि एक चीज और भी लोग कहते हैं कि साहब वही जो फैमिली एंटरप्राइज वाले मैंने बात की कि इस तरह की पार्टियों में, इस तरह के परिवारों में होता है कि किसी को राज्यसभा जाना है तो आप ही के यहाँ से जाएगा। प्राथमिकता जो है वो परिवार के सदस्यों को होती है। आप देश के सुधार की बात कर रहे हैं, देश के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, प्राथमिकता सारी परिवार के दायरे में ही क्यों होती भाई? जिस समय मैं चुनाव लड़ा था पहली बार जी 2015 में, हमारी पार्टी ने 55% टिकट नए चेहरे को टिकट देने का काम किया था जो नौजवान थे, और मुझे खुशी है ये बताने में कि सारे के सारे कैंडिडेट्स चुनाव जीतने का काम किए। आप देखिए मौके तो सबको मिले ना, और क्या मेरे से पहले क्या लालू जी ने कईयों को मौका नहीं दिया? हम तो अभी आए ना 2015 में। हाँ, सही बात। लालू जी की राजनीति और पार्टी कब से है? हाँ, उन्होंने और लालू जी को, लालू जी ने जिन जिन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया उन लोगों ने धोखा देने का काम किया, तो हमारी क्या गलती है? आप देखिएगा जितने भी लोग हैं बिहार की राजनीति में या कहीं भी, काफी लोगों को लालू जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया। अब वो उस हिसाब से वो उभर नहीं पाए तो हमारी तो कोई गलती नहीं, धोखा देकर चले गए तो हमारी तो कोई गलती नहीं।
लालू जी को धोखा देने वाले और आप देखिएगा ना, नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, लालू जी को जिन लोगों ने, एक भी गंभीर सवाल है और आप चूंकि बहुत कम उम्र है अभी राजनीति के हिसाब से आपकी, लालू जी को धोखा देने वालों से आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू जी का एक स्वभाव रहा है, वो बढ़ के बात करने वाले लोगों में से थे, अपनी बात बेबाकी से रखना चाहते थे, राजनीतिक दुश्मन बनाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी लालू प्रसाद यादव ने। आपने उनसे क्या सीखा? क्योंकि लालू प्रसाद यादव इन सब बातों के बावजूद गठबंधन की सियासत के ध्रुवीकरण का बहुत बड़ा हिस्सा थे। आपके लेसन्स लर्न क्या हैं लालू जी से? देखिए, हम लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा है और काफ़ी चीज़ सीखने को मिली है और मुझे उम्मीद है कि वैसे जो लोग हैं उनसे हम कम से कम दूरी बना के रखें। देखिए, लालू जी का जो दिल है वो बहुत बड़ा दिल है। नीतीश जी को माना जाता है कि चलो पॉलिटिकल कंपटीटर हैं, केस मुकदमा उन्होंने शुरुआत किया, अपने चहते लोगों से पेटिशन डलवाया, जेल भिजवाने का काम किया, लेकिन फिर भी देश बचाने के लिए महागठबंधन बनाया और नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हो सकता है इतना बड़ा दिल मेरे पास नहीं हो। और आप ईमानदारी से मुख्यमंत्री नहीं, माफ कीजिएगा, बीइंग एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उनको मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने प्रधानमंत्री तक बनाया ना, तभी तो मैं पूछ रहा हूं। इवन स्पीकर पद भी जो है वो भी देने का काम किया। उतना बड़ा दिल होगा आपका? मैंने बोला नहीं, हर कोई लालू यादव नहीं हो सकते। और मैं तो चाहता हूं कि आज का जो दौर है, जो विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का जो दौर है, मतलब तुम मेरे सामने खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें दबाऊंगा, डराऊंगा, या तो तुम जी हजूर करो या तुम ये झेलो। तो लालू जी से सीखने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने, ऐसा सुनिए इसको, अपने बेटे से कहा राहुल गांधी से कि बेटा आप राजनीति में आना चाहते हो लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता, एक मतलब तकरीबन जहर पीने जैसा काम है। कभी आपका हाथ पकड़ के आपको लालू यादव जी ने बुलाया हो कि बेटा आप राजनीति तो करना चाहते हो, जबकि खुद ही आप कह रहे हैं कि इतना लंबा उनका इतिहास है, जिन लोगों को उन्होंने बनाया, उनका उनको धोखा देने का, कभी आपको बताया हो लालू यादव ने कि बेटा ध्यान रखना, बहुत तेज मत दौड़ना, ये वो रेस है जिसका अंत किसी को पता नहीं होता? मेरे पिता ने एक बात कही, व्हेन आई बिकेम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने बोला भैया टाई और कोट वालों से थोड़ा बच के रहना, बहुत लोग घूमेंगे आसपास, उनसे सावधान रहना। आप मतलब समझ ही रहे होंगे। हाँ, समझ गए। हाँ। और हम बहुत ही सावधानी से काम किए, उसलिए नीतीश जी को मुश्किल हो गया, उसलिए 13 साल वाला जो एक्सक्यूज है वो लेकर के आगे कि FIR करा दिया CBI में। अगर मैंने बीइंग एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, टाई कोट से थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना, टाई कोट से एग्जैक्टली क्या? आप तो नौजवान आदमी है, तो आप कोई टाई कोट के खिलाफ? हर जगह लालू जी के युग से नहीं है, टाई कोट हर जगह लोग होते हैं, कमीशन होता है, बिहार में RCP टैक्स से मशहूर है। अच्छा, RCP जी से पूछिएगा कभी, वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हम तो कह रहे हैं RCP टैक्स है, कुछ नहीं हो सकता, मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग भी होती है अधिकारियों की, और अधिकारी कितना भी गलती करता रहे, कितने भी गंभीर मामलों में इन्वॉल्व हो, लेकिन उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उसका कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसने RCP टैक्स देने का काम किया। जब लालू यादव और नीतीश जी का टाइप था, कभी आपने अपने पिता से कहा कि अरे अब अलग हटिए, ये ठीक नहीं है, अभी चलिए आप आलोचना कर रहे हैं, आपका साथ टूट चुका है, कोई दिक्कत नहीं, एक पॉलिटिशियन दूसरे की आलोचना करता है अगर उसका विरोधी हो, जब साथ था तब कभी आपने एक एक बच्चे के तौर पर, एक नौजवान के तौर पर अपने पिता को आगाह किया कि भाई ये साथ ठीक नहीं है, पहली बार तो हुआ नहीं है, जरा आप अलग हो जाइए, सब लोग एक ही आंदोलन से निकले लोग थे, कभी आपने उनको उस समय आगाह किया? देखिए, वो समय का जो समय था, वो समय की मांग थी महागठबंधन बनाने की, और प्रायोरिटी वॉज कि जो भगवाधारी लोग जो हैं, RSS के लोग, जो BJP को बिहार में नहीं घुसने देना। हम लोगों ने महागठबंधन बनाया, सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की, पापा को भी ये लगा या हम लोगों को भी लगा, चलो गलती जो है उनसे हो गई थी, इतने साल रहे, अब जो है सच्चाई जो है उनको पता चल गया BJP का क्या है, और सबक सीख करके वापस आए। लेकिन आप देखिएगा, हम भी कई बार, हमने कभी भी जब काम किया तो शक की निगाह से उनको नहीं देखा, लेकिन जो मेरे पिता जो कहा करते थे, जब ये पलटी मारी मेरे चाचा ने, और तब मेरे को एहसास हुआ कि मेरे पिता तो ठीक ही कहते थे कि नीतीश जी के पेट में दांत है। तो आप समझिए कि
हम लोग तो पूरे दिल से उन पे भरोसा करते थे और हमने तो कई बार अपने चाचा हैं और बड़े हैं, बचपन से हमने देखने का काम किया, लेकिन पॉलिटिकली पहले तो हमको मौका नहीं था, सुनते ही थे जी। और लेकिन एक्सपीरियंस हुआ रह करके साथ काम करने के बाद, तब ये बात पता चली। लेकिन ऐसे कोई पलटी नहीं मार सकता, 4 साल में 4 सरकारें कौन दे सकता है। हर पार्टी के साथ अलायंस किया और हर किसी को धोखा किया, और अभी भी आप नहीं मानेगा तो आप लोगों के जैसे सूत्र होते हैं वैसे हमारे भी सूत्र होते हैं। नहीं, मेरा तो एक ही सूत्र था, बहुत बहुत परेशान है हमारे चाचा जी। अच्छा, फिर से पलटी मारने की सोच रहे हैं। अच्छा, लेकिन दिखाना नहीं चाहेंगे। हाँ। वो ये चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं तेजस्वी कि महागठबंधन को ये लगे कि लालू जी को नीतीश जी की जरूरत है, वो खुल करके नहीं आएंगे सामने। लेकिन ऐसा जब भी हो सबसे पहले आप, मैं तो कहता हूँ, कई बार ये सवाल आता है, पूछते हैं लोग कि नीतीश जी आ रहे हैं, तो हम बोले हम क्यों जवाब दे, भागने वाले से पूछो वो कब भागेगा कि नहीं भागेगा, हाउ कैन आई से। अरे लेकिन तेजस्वी, आपसे इतना तय है कि जब भी ऐसी खबर आपके पास आ जाए सबसे पहले NDTV को दीजिएगा, ठीक। अब मैं बाकी सवाल लेने से पहले एक छोटी सी चीज आपसे पूछूंगा। सबका अपने जीवन पर अपने पिता का प्रभाव होता है, असर होता है, आपके पिता लालू यादव हैं। अब यहाँ बहुत सारे मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं, हमारे सब पुराने साथी जर्नलिस्ट सब लालू जी को खूब अच्छे से जानते हैं। लालू जी की कुछ मशहूर चीज़ों में से लालू यादव की मिमिक्री है, बहुत लोगों ने की है, आप कर सकते हैं अपने पिता की मिमिक्री? नहीं नहीं, एकदम नहीं। कभी ट्राई किया? आर्टिस्ट लोग कर सकते हैं ना, आई एम नॉट ए आर्टिस्ट ना। आप नहीं कर सकते? वो तो बोल के टैलेंट होता है, बाय बॉर्न होता है या तो आर्टिस्ट होते हैं, बोल के नहीं कर सकते। लालू तो गा नहीं सकते, गा भी नहीं सकते भाई। उनको तो गाने का शौक था, वो तो होली पे ढोलक बजाने का शौक था। इसमें से कौन कौन से आपके अंदर हैं? नहीं ठीक है, होली खेलने में हम लोग आगे रहते थे, होली खेलने में आगे रहते हैं, लेकिन लालू यादव की तरह बोल के थोड़ा सा, काश मैं बोल के दिखा सकता, मैं नहीं कर सकता। हो सकता है कि मैं उनके जैसा बोल नहीं सकता, मैं उनके जैसा कह नहीं सकता, कर नहीं सकता, लेकिन जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी सोच है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करना। ठीक है, मैं देखना चाहूंगा यहाँ से अगर कोई सवाल हो। यंग पॉलिटिशियन है तेजस्वी, पीछे से हाँ किसी का हाथ उठ रहा है, प्लीज बताइए। तेजस्वी, आपने कहा कि मोदी जी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं युवाओं को, पर एक सवाल आपको स्वयं ये सोचना चाहिए कि आपके परिवार में जो आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, आपकी मदर मुख्यमंत्री थी, तो बिहार के नौजवानों को ना के बराबर नौकरी मिला और उनको सब पूरे इंडिया में पलायन करना पड़ा, ये पूरा देश जानता है, ठीक है। तो जब आप किसी पे आरोप लगाते हो तो कभी आप स्वयं आप पे बिहार के हैं? मैं मुंबई से हूँ, मैं अभिषेक मिश्रा, बीजेपी। आपको कैसे पता चला? नहीं पता है ना, मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आ गए, क्या अच्छे दिन आ गए? 20 साल से बिहार जंगल राज था, इसलिए आपको सवाल ये है। आप सवाल समझ लिए, पलायन हुआ, हमने रोजगार विषय में आपका ट्रैक रिकॉर्ड खुद क्या रहा है? धन्यवाद। आप देखिए आपका ट्रैक रिकॉर्ड, जब हमारे पिता जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो किसी पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं है ना? इट्स ओके, ठीक है, यही। जब हमारे पिता जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो पटना का जो गांधी मैदान है और रेलवे स्टेशन गिरवी था, आपको ये मालूम होना चाहिए। बिहार लंदन नहीं था, हमारे पिता के आने के बाद बदलाव हुआ है। माई डैड वॉन्टेड डेवलपमेंट फॉर ऑल, इवन फॉर द बैक बेंचर, प्रायोरिटी विद देम, जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, दलित हैं, जिनका सदियों से शोषण हो रहा है, चंद लोगों का विकास से विकास नहीं होता, तो उनको हम लोग सामाजिक न्याय करके उनको हम लोगों ने उनको अधिकार दिलाने का काम किया। और जितने रोजगार की बात करो, इतने विश्वविद्यालय हम लोगों ने खोले। बीइंग अ रेलवे मिनिस्टर, लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा देने का काम किया। हार्वर्ड से लेके NCR तक लोगों ने मैनेजमेंट गुरु से नवाजने का काम किया। बिहार में 2-2 कारखाने देने का काम किया जी। आज क्या स्थिति है? आज तो मजदूर भी पलायन कर रहे हैं बिहार के बाहर, बहुत तेजी से पलायन बढ़ रहा है। और आपको बता दें, जिस प्रकार से बिहार में एजुकेशन माफिया, जो इस तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सरकारी कॉलेजों को खत्म करने की साजिश चल रही है, बिहार का अरबों अरबों पैसा बिहार से बाहर जा रहा है, स्टूडेंट बिहार में नहीं पढ़ रहे। बिहार की ऐसी स्थिति हो गई, कम से कम आप जिस सब्जेक्ट का एग्जाम दो उसका रिजल्ट आता था पहले, आज तो ये स्थिति होगी कि आप जिसका नहीं भी दोगे उसमें भी आपको पास कर देते हैं। कौन पूछेगा? तेजस्वी एक सवाल यहाँ से, और सुन एक मिनट। हाँ। डबल इंजन की सरकार है,
मोदी जी बिहार आए थे, बिहार की बोली लगाई थी, 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, लो 1,25,00,000 करोड़ रुपया दिया, क्या हुआ? बिहार को स्पेशल राज्य के दर्जे की बात कही थी, नीतीश जी को डीएनए का गाली दिया, नीतीश जी कहते थे ये मेरा अपमान नहीं पूरे बिहार का अपमान है। हम तो पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, बताइए नीतीश चाचा जी का डीएनए ठीक हो गया? और नीतीश जी से पूछना चाहते हैं क्या बिहार का जो अपमान करने का काम किया, डीएनए की गाली देने का काम किया आपने, उससे समझौता कैसे किया? कब मिलेगा बिहार को अधिकार? डबल इंजन की सरकार। तेजस्वी, इधर से आपके लिए एक सवाल है, एक सज्जन कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ सर प्लीज। तेजस्वी जी, बिहार का टैलेंट पूरा हिंदुस्तान जानता है और सारे हिंदुस्तान में वो टैलेंट फैला हुआ है, आपको दोबारा चांस मिलता है अब उस टैलेंट को रोकने का और बिहार का बिहार को आगे बढ़ाने का कैसे करेंगे? देखिए जो बेसिक नीड्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो बिहार में नहीं है, जो सिटीज़न का जो लाइफ स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो वैसा नहीं है वहाँ पर। अभी भी बिहार सरकार जो है, इफ़ आई बिकम अ चीफ मिनिस्टर, मान लीजिए मैं बनता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ बिहार सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ उधार पे चल रही है, ADB पे, वर्ल्ड बैंक पे, ब्रिक्स पे, उधार पे चल रही है और केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को कम से कम केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए, और जब तक पिछड़े राज देश के आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक भारत में विकास नहीं हो सकता। तो इसलिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो बेसिक नीड्स है आप उसको फुलफिल कीजिए, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, ये सारी चीज़ों में। बिहार में तो स्पोर्ट्स खत्म ही हो चुका, आर्ट कल्चर खत्म ही हो चुका, टूरिज्म खत्म ही हो चुका, क्रिकेट की पॉलिटिक्स से इतना हिस्ट्री है बिहार का, बुद्ध जैन सब वहीं से हैं, सीता मैया सीतामढ़ी की सब लोग वहाँ का, गजब का हिस्ट्री है, पहला लोकतंत्र बिहार में था, उस हिसाब से काम नहीं हो पाया लेकिन होना चाहिए। एक सवाल आपके लिए इधर से, बहुत दो सवाल है। पहली बात, अगर नीतीश कुमार आपके पास आए और कहें कि हमसे गलती हो गई थी, आइए दोबारा गठबंधन करते हैं भाजपा को 19 में हराने के लिए, तब आप कर लेंगे? दूसरा सवाल, आज पॉलिटिकल कंसल्टेंट प्रशांत किशोर JDU में शामिल हो गए हैं और इसी के साथ नीतीश कुमार ने अनाउंस किया है कि उनका BJP सीट शेयरिंग सेटल हो गया है, इस पर आपकी कोई टिप्पणी? देखिए नीतीश जी की कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, और क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार जी वापस आ जाए और फिर से वहाँ चले जाएँ? जो व्यक्ति 4 साल में 4 सरकारें बदल सकता हो, जिसको सिर्फ अपने कुर्सी से प्यार हो, उसको आप फिर से कैसा मौका करोगे? यानी आप तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हुए, जो आपको बार बार चीट करके जा रहा है, हमको चीट किया चलो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जनादेश का अपमान किया, ही चीटेड बिहार के लोगों को चीट करने का काम किया है। तेजस्वी जी, तो हमको तो जनादेश, जनता जो है माफ़ नहीं करेगी अगर नीतीश जी को वापस ले लेंगे तो, और पीपल विल से दैट आई एम वेरी ऑपरचुनिस्ट, आपको सरकार में मौका आया मंत्री बनने के लिए तो आप सबसे पहले आगे आ गए, सब चीज़ भूल गए नीतीश जी का। दूसरी बात, चाहे कोई भी कोई पार्टी ज्वाइन करे, अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में आना चाहिए, हम तो कहेंगे कि आप भी आ जाइए, आना चाहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई आए ना जाए, अच्छी बात है, उसका स्वागत है। चूंकि उन्होंने आपसे नीतीश कुमार के बारे में पूछा, एक सवाल मेरा जल्दी से, कुछ देर बाद इसी मंच पर चिराग पासवान होंगे, पासवान जी के साथ अगर कोई बातचीत हो जाए, चिराग के दो नौजवान हैं आप लोग, आपके बीच में कोई बातचीत हो जाए, कोई पॉसिबिलिटी होगी इसकी, पासवान और लालू जी आपके साथ आने की? पहले साथ थे ही, तो वापस पहले साथ थे, सवाल उनका भी वापस आने पर ही है ना, वो तो उनको तय करना है ना। अच्छा देखिए, लेकिन आपको एतराज नहीं है? आप देखिए, आपको तकलीफ नहीं है? सुनिए, आपका सवाल ऐसा होता कि ज्यादा बोलना पड़ता है, समय होना चाहिए। ये चिराग पासवान जी हो, रामविलास पासवान जी हो, ये कभी भी हम लोगों को धोखा दे करके नहीं गए, बोल बुला करके चाहे अगर एडजस्टमेंट नहीं हुई तो अपने चले गए, लेकिन हमारे चाचा ने तो बार बार धोखा दिया, तो ही इज डिफरेंट फ्रॉम नीतीश कुमार जी। जी तो अब उनके लिए दिल में जगह है थोड़ी सी, पासवान जी के लिए है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट दिल में थोड़ी, बड़े हैं, आउटराइट रिजेक्शन, हमारे माता पिता ने यही सिखाया, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बड़ों की रिस्पेक्ट। मनिका कोई सवाल पूछना चाह रही थी यहाँ पे, उसके बाद जी सर। तेजस्वी जी, थोड़ा पॉलिटिक्स से हट के सवाल, अभी रिसेंटली या थोड़े टाइम पहले फेसबुक पे आपका नंबर, आई थिंक आपका टेलीफोन नंबर हुआ था, तो आपको हजारों मैरिज प्रपोजल आए थे, तो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दैट?
लव मैरिज, अरेंज मैरिज, उसका क्या फ्यूचर है? गठबंधन की तो बात अलग है. मैंने एक व्हाट्सएप नंबर रिलीज किया था बीइंग एज अ रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट मिनिस्टर कि अगर आपके आसपास कोई सड़क ख़राब है तो यू कैन सेंड अ पिक्चर कि ख़राब है और विद इन फ्यू मिनट्स रोड एम्बुलेंस हम लोगों ने एक बिहार में शुरू किया था ओपीआरएमसी पैकेज के थ्रू कि वो जा करके तुरंत वो गड्ढों को भरने का काम करेगा और उस अगर हमारे डिपार्टमेंट में भी नहीं होगा तो विल ट्रांसफ़र टू अनदर डिपार्टमेंट की सॉल्व दिस. बट अनफॉर्चुनेटली मैं कभी वो देखा नहीं जो प्रपोज़ल काफ़ी चला कि 48,000 शादी के प्रपोज़ल आए थे. लेकिन देखिए अभी चिराग पासवान जी आ रहे हैं, मेरे से बड़े हैं, ये सवाल उनसे ज़रूर पूछिएगा. हाँ ठीक है, अगर वो कर लेंगे तो मेरे को घर में बोलने के लिए हो जाएगा कि आप मेरी भी करा दो, मेरे बड़े भाई की हो गई, इनकी भी हो गई. लेकिन तो मतलब जैसे मनिका का सवाल ये कि अरेंज हो लव हो दैट इज डिफरेंट, लेकिन एवरीवन शुड बी हैप्पी. माय फैमिली जो आ रही है और मैं जो परिवार को साथ लेकर के चले. यादव नॉन यादव ऐसा तो कुछ नहीं है ना सर? मेरे क्वेश्चन ये सवाल हमसे ही क्यों पूछे जाते हैं? ठीक है, वो उन्होंने पूछा इसलिए. बस मैं एक आखिरी सवाल प्लीज जी. तेजस्वी जी, मेरा एक, आप जितने यंग लीडर हैं, मैंने अखिलेश जी को भी सुना और मैं सुनता भी रहता हूँ. मैंने ये देखा कि आप सब लोग दूसरों की टांग खींच के, दूसरों पे दोषारोपण करके अपने आप को ऊपर उठाते हैं. क्या कोई यंग लीडर, कोई ऐसा रूट मैप जो उसके दिमाग में चलता हो कि उसको यंग लीडर, ठीक है आप चुने जाते हैं, आपको मार्स बोर्ड पड़ता है, आप लीडर बन जाते हैं, लेकिन क्या आप लोगों के पास में युवाओं के भविष्य के लिए कोई ऐसा रोड मैप आज तक किसी युवा लीडर ने प्रस्तुत किया है कि जिसपे इतनी जनता जो आपको वोट देने के लिए सोचती है वो सोचे कि वास्तव में ये लोग हैं, इन लोगों पे भरोसा किया जाए, ये देश को आगे ले जाएंगे, इसके बजाय कि आप लोग दूसरों की टांग खींचें, नीतीश जी ने धोखा दे दिया, राहुल गांधी ने ये कर दिया, अखिलेश जी ने ये कर दिया, मायावती जी ने ये कर दिया, युवाओं को कोई रास्ता दिखाने का कोई रोड मैप है आप लोगों के पास में? खैर मैं समझ गया आपका प्रश्न. आप कह रहे आगे बढ़ करके किसी को गाली दे के दबा करके आगे बढ़ते हो, हम तो नीतीश जी के गलती की वजह से आगे बढ़ गए. भागने की कोशिश नहीं, मैं रूट मैप की बात कर रहा हूँ, भागना अलग चीज है. आप देखिए, आप एंकर को समझा सकते हैं, आपकी वाक्पटुता बहुत जबरदस्त है, बाबा रामदेव भी बहुत अच्छे वाक्पटु हैं, वाक्पटु होना एक अलग चीज है, लेकिन उस चीज का आप रूट मैप जब तक नहीं समझाते तब तक विजन होना चाहिए. जैसे आपके पिताजी विजन होना चाहिए, आप बताइए. मोदी जी बोलेंगे पकौड़ा बेचो, पहले बोलते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोलेंगे पकौड़ा बेचो. हम कहते हैं हम पकौड़ा बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो 15 लाख का वादा किए थे उसमें से 1-2 लाख का बोनी तो करा दो, ताकि ठेला तो लगाएगा, ठेले का पैसा कहाँ से लगाएगा? और हर साल में अगर 2 करोड़ रोजगार सिर्फ पकौड़ा बेच करके वो कमाएं, तो सोचिए खाने कौन आएगा पकौड़ा? हर साल 2 करोड़ अगर पकौड़ा बेचने वाले हो तो. दूसरी बात, जब तक नौजवान जागरूक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से नहीं होता है तो वो सवाल नहीं कर पाएगा. सवाल जब पॉलिसी के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो आप सवाल क्या करोगे? कितने नौजवान हैं, अभी कोई एक्टर एक्ट्रेस आ जाए तो तुरंत उछलने लगेंगे, लेकिन अगर कोई पॉलिसी के बारे में अगर कोई डिस्कशन हो जाए तो मोबाइल में लग जाएंगे. तो यू हैव टू बी अवेयर सोशली एंड पॉलिटिकली कि देश के लिए क्या हो रहा है, भविष्य को देखना चाहिए, सोचना चाहिए. अब जिस प्रकार से एजुकेशन जो हो रहा है पूरी तरीके से प्राइवेटाइज हो रहा है, सारी यूनिवर्सिटीज को किया जा रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो नौजवानों का है. नलिनी का एक सवाल तो आपके लिए, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत दे शुड बी अवेयर. हाँ नलिनी, आप कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज. तेजस्वी जी, रउआ बहुत ही नीक बोली रउआ की लागल बा, लेकिन एक बात आपसे पूछनी है कि देखिए अभी आप बह रहे हैं थोड़े से, जो 2015 में वोट शेयर था वो भाजपा का सबसे ज़्यादा था, तो अब आप क्या अनुमान लगाते हैं 2019 में, क्या लगता है कि आपको, राजद को और आपका जो महागठबंधन बनेगा, ज़रूर बनेगा, कितनी सीटें आएंगी? हम तो बहुत खुश हैं, नीतीश जी जाएँ वो उसका नैया डुबोएंगे. बाई इलेक्शन में डुबोया है ये तो बिल्कुल आपने डुबोया है बिहार में, लेकिन आप क्या समझते हो कितनी सीटें आएंगी आपकी लोकसभा में बिहार में? देखिए मैं इतना कह सकता हूँ कि बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा. वेरी स्मार्ट. तो अंत में इनको ये क्या बोलूँ, कॉम्प्लीमेंट ही होता है अंग्रेजी में. तो बहुत कम उम्र में पहले तो आपने एक अंश अपने पिता से मीडिया से संवाद का हासिल कर लिया, दूसरी बात बड़े इत्मीनान से मैं आपको सुन रहा था, दूसरा अंश आपने ये भी हासिल कर दिया
कि सवाल जो भी पूछा जाए आप अपना एजेंडा आगे रखें और आलोचना करें लगातार जिनकी आपको करनी है। तो इन दोनों उम्मीद के तो साथ कम से कम बैठ जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी तो सवाल ही नहीं लेते। वेल डन 29 साल के उम्र में हम सवाल ले रहे हैं और क्या क्या सीरियस एलिगेशन लगे तो, मेरे ऊपर तो बाकी देश के नेतागण कभी आए तो सही बात है, बाकी देश के नेतागण सुन लीजिए तेजस्वी यादव से जो सवाल से जोरदार तरीके से भागते हैं कि ये सवाल लेने को तैयार है, लेकिन नौजवान राजनीति में दिशा निर्धारण भी ये करें तो बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।